गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो वेल, आज मेरी ट्रिप का फोर्थ डे है। 7th ऑफ अगस्त सैटरडे को मैंने ट्रिप स्टार्ट किया था। तब मैं हल्द्वानी से पंतवारी के लिए निकला था और बट उस दिन मुझे मसूरी में रुकना पड़ा। डे टू 8th ऑफ अगस्त, जिसमें मैं मसूरी से पंतवारी गया एंड फिर मैंने वहाँ ट्रैकिंग की। डे थ्री जो कल था, जिसमें मैं पंतवारी से वापस आया देहरादून और देहरादून से फिर मैंने ऋषिकेश आ गया, ऋषिकेश में ही होटल लिया। सो ये है डे फोर, 10th ऑफ अगस्त। सो बेसिकली ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है ताकि मैं आपको बताऊं और आपके साथ शेयर करूं अपनी एक्सपेंसेस शीट जो अभी तक का मेरा खर्चा हुआ है, राइट, ताकि आपको भी एक आइडिया लगे कि अगर आप ऐसा कोई ट्रिप प्लान करते हैं तो आपको कितना खर्चा करना पड़ सकता है। ओके, सो मैंने एक्सपेंसेस शीट बना रखी है और ये आपके स्क्रीन पे, इसको देखिए। सो डे वन में जो मैं 10 बजे निकला था हल्द्वानी से सैटरडे को, 7th ऑफ अगस्त को, तो उस दिन जो मेरा लंच हुआ था उसके मुझे 100 रुपये पे करने पड़े थे। मैंने पेट्रोल भरवाया था उसके मुझे 7:30 पे करने पड़े थे। मेरा रात का डिनर हुआ उसका भी 100 रुपये हुआ। जो मैंने वहाँ पर मसूरी में होम स्टे लिया उसका मुझे 500 पे करना पड़ा और बाकी जो चाय वगैरह पी उसके 50 रुपये। सो डे वन का जो टोटल एक्सपेंसेस हुआ था वो हुआ था 1480, 1480। डे टू जब मैं मसूरी से पंतवारी के लिए निकला और वहाँ से नागटिब्बा का ट्रैक किया, तो डे टू में जो मैंने ब्रेकफास्ट किया सुबह कैंप्टी फॉल के पास वो मुझे 170 का पड़ा था। फिर उसके बाद मैंने कुछ मुझे टाइम नहीं लगा कुछ भी खाने पीने का, क्योंकि फिर मेरा ट्रैकिंग स्टार्ट हो चुका था तो उसमें तो कोई खर्चा हुआ ही नहीं। और बाकी फिर शाम को जब मैं ऊपर नागटिब्बा से दोबारा पंतवारी आया तो मेरा जो होटल मुझे पड़ा वो 500 रुपये का पड़ा था पंतवारी में, और उस रात का डिनर मेरा 100 रुपये का। सो डे टू का जो टोटल एक्सपेंसेस है वो है 770 रुपीज़। डे थ्री में मैंने पंतवारी में जो सुबह ब्रेकफास्ट किया था वो मुझे 100 का पड़ा। फिर क्या बोलते हैं, जब मैं पंतवारी से निकल के मैंने देहरादून में लंच किया तो वो मुझे 120 का पड़ा। फिर देहरादून से मैं ऋषिकेश आया, मैंने रास्ते में पेट्रोल भराया तो 600 का मुझे वो पड़ा, और ऋषिकेश में होटल 500 का और ऋषिकेश में ही डिनर 100 रुपीज़ का। सो टोटल एक्सपेंसेस डे थ्री का था 1420। अगर मैं टोटल 3 दिनों के एक्सपेंसेस की बात करूँ, सो टोटल 3 दिनों में जो खर्चा हुआ है वो है 3670, 3670 रुपये। ऑन एन एवरेज अप्रॉक्सीमेटली अगर आप राउंड फिगर में करेंगे तो 1200 रुपये पर डे। सो ये जो कम्प्लीट रोड ट्रिप हुई है अभी तक, मतलब एक तरीके से आप लगा सकते हैं कि मेरा हल्द्वानी से यहाँ तक आना, रुकना, खाना, ओके, और ये सारी जगह घूमना, उस सब का खर्चा है पर डे का 1200 रुपये। बताओ यार, 1200 रुपये क्या होते हैं अगर आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हो और पर डे अगर आप 1200 रुपये खर्च कर रहे हो तो मेरे ख्याल से इससे अच्छी डील तो हो नहीं सकती है। हाँ, लेकिन ट्रैवल ऐसे ही करना पड़ेगा जैसे मैंने किया था, या अगर आपके पास कोई और तरीका है या आप अपने जुगाड़ बैठा सकते हैं तो शायद इससे भी सस्ता आप ट्रैवल कर सकते हैं, बट मेरे ख्याल से 1200 रुपये ठीक ठाक है। सो बस यही मुझे अपने एक्सपेंसेस शीट आपके साथ शेयर करनी थी ताकि आपको भी एक आइडिया मिले हर चीज़ का। बाकी ये आज मेरा सच कोई प्लान नहीं है यहाँ ऋषिकेश में, क्योंकि मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। मैं 3 दिन से लगातार बाइक पे हूँ या ट्रैकिंग कर रहा हूँ, मेरे पूरी बॉडी बहुत पेन कर रही है। ओके, सो सच कोई प्लान नहीं है। सो आई होप आपने लास्ट के 3 दिन के वीडियोस देख लिए होंगे, और प्लीज़ यू नो उनको शेयर कीजिए आगे और अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं यू नो ऐसे ही ट्रैवल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता रहूँ। तो स्टे ट्यून्ड टू विक्स एंटरटेनमेंट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले ट्रिप पर।